नाइट फ्लाइट होने की वजह से एयरपोर्ट का वेट काफी ज्यादा और बोरिंग था। सुबह के 4 बज रहे थे तो नींद आना नॉर्मल था और मेरी हालत कुछ ऐसी थी जैसे आप देख रहे हैं, बार बार आंखें बंद हो रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में कैब का इंतजार करते हुए सुबह के 6:30 बज गए थे। एक रात ठीक से नींद ना होने का असर धीरे धीरे महसूस होने लगा था। फाइनली कैब में बैठकर मुझे बैक सीट पर रिलैक्स करने का मौका मिला और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब आंख खुली तब मुझे सामने पहाड़ दिखने तो शुरू हो गए थे, पर कार रास्ते के गड्ढों से गुजर रही थी और उछल रही थी। रास्ते का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। ये चंडीगढ़ से मनाली तक का रास्ता मैंने बाइक से करने का प्लान किया था, पर ये रास्ते का हाल देखकर खुद को कैब में ट्रैवल करते हुए अच्छा लगा। जगह जगह पर टनल बनाने का काम चल रहा था और इसके वजह से ही हाईवे का हाल बेहाल था, पर ड्राइवर जी ने कहा कि एक बार ये टनल्स बन जाएंगे तब चंडीगढ़ से मनाली का ट्रैवल टाइम आधा या उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे पहाड़ क्रॉस नहीं करने पड़ेंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। पर इसका एक दूसरा साइड भी है कि टनल बनाने से एनवायरनमेंट इम्बैलेंस होने का बहुत खतरा रहता है, पर डेवलपमेंट भी जरूरी है। आखिरकार वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे और इसको देखकर मुझे खुशी तो बहुत हुई कि अब आने वाले कुछ दिन मैं इन्हीं वादियों में रहूंगा। मुझे पहाड़ों में रहना बहुत पसंद है। के मॉल रोड पे घर पे बैठा था और रूम में बैठा था और बारिश रात को, तो मैं आ गया मॉल रोड पे। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, चलिए देखते हैं। मैंने लगभग पूरा मॉल रोड घूम लिया मनाली का और मेरे पीछे ये मॉल रोड है पूरा और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट है। बट एक बात कहनी पड़ेगी, ये मॉल रोड से लेह का मॉल रोड काफ़ी बेटर है, ये बहुत ही छोटा है। चहल पहल बहुत है मॉल रोड में, लोगों की आवाज़ वगैरह, लेकिन आई हैव सीन लेज मॉल रोड, वो काफ़ी बेटर था। बाय द वे, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा हो गया। मुझे चाहिए था गमबूट्स लेना वाटर क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि मैं राइडिंग बूट यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये टाइम, सो वो मेरा काम हो गया। होटल से नज़ारे बहुत खूबसूरत थे और फाइनली धूप निकल आने से अच्छा लग रहा था, पर बादल इतने थे कि बारिश होने का कभी भी मौका बन सकता था। फाइनली पहुंच गया मनाली एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सिर्फ कल सुबह मुंबई से, एंड होल नाइट फ्लाइट थी तो नींद प्रॉपर हुई नहीं। और उसके बाद मनाली पहुंचने में, मैं चंडीगढ़ लैंड किया और मनाली पहुंचने में लगते हैं करीबन 10 घंटे, क्योंकि रास्ते के कंडीशंस इतने कुछ अच्छे नहीं है। मैंने फर्स्ट पहले डिसाइड किया था कि आई विल कैब, मतलब मैं रेंट करूंगा बाइक राइट फ्रॉम चंडीगढ़ एंड मैं पूरा राइड करूंगा टिल मनाली, बट देन आई चेंज दैट प्लान और मैंने वो प्लान चेंज करके बहुत अच्छा किया। सब जगह रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड ये रोड के कंस्ट्रक्शन के वजह से इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतने पत्थर और बाइक फंसने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मैंने आते वक्त बहुत सारे बाइकर्स देखे जो चंडीगढ़ टू मनाली ट्रैवल कर रहे थे और उनकी हालत सच में ख़राब हो रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, येस आप कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया। कल जब मैं मनाली पहुंचा, आई चेकड इन माई होटल और यहाँ पे होने लगी बारिश। कल मेरा प्लान था आके हरिमा देवी टेम्पल जाने का, बट वो हो नहीं पाया बारिश के वजह से, बिकॉज जहाँ पे मेरा होटल है यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पे है मनाली का मॉल रोड और वहाँ से भी अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर है हरिमा देवी टेम्पल, सो उस वजह से ये रह गया।
अब मैं निकल रहा हूँ मेरे होटल से एंड आई विल गो टूवर्ड्स मनाली मार्केट, जहाँ पे मैंने बाइकर पॉइंट से, मनाली बाइकर पॉइंट से मैंने एक बाइक रेंट की है, दैट मे बी हिमालयन और दैट मे बी द आर ई स्क्रैब स्क्रैम्बलर। सो देखते हैं क्या होता है आगे, बट सो फार इट्स सो गुड। ठंडी काफ़ी अच्छी थी सुबह क्योंकि बारिश हो रही थी, अब नॉर्मल लग रहा है, बट यस सो दैट्स इट। अगर सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मैंने कल आते ही एक डायमोक्स का टैबलेट ले लिया, एंड डायमोक्स का टैबलेट लेने के बाद मेरे जो हाथ है, दोनों हाथ के उंगलियाँ और ये पाम, ये थोड़े से झनझन कर रहे हैं, मतलब ये इसमें ऐसा लग रहा है कि मूंगी काट रही है। तो ये होता है डायमोक्स लेने के बाद। आज शायद शाम को मैं इसका सेकेंड और एक टैबलेट ले लूँगा, सो आई विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम ऑफ AMS इन माई अपकमिंग राइड्स। सो अगर आप डायमोक्स टैबलेट ले रहे हो, देन टेक केयर कि आपके हाथ में, खास करके उंगलियों में, ये थोड़े बहुत झंझनाहट होती है। बाइक रेंट करने का एक बहुत ही रिलायबल और वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है बाइकर पॉइंट मनाली। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ना किसी के इन्फ्लुएंस से। और मुझे मेरी रेंटेड बाइक मिल गई, जिसको लेकर मैं पूरा आने वाला स्पीति ट्रिप कंप्लीट करने वाला था। सो आई एम ऑन माई रेंटेड बाइक, सो दिस इज़ हिमालयन स्क्रैम्बलर। और सुबह सुबह एक कांड हो गया, मैंने प्यार सिंह जी के ऑफिस से जस्ट बाइक निकाली थी और मैंने खड़ी रखी थी, मतलब मैंने उनको बोला, उनके जो अंडर काम करते हैं उनको बोला कि भाई ज़रा बाइक मुझे रोड पे निकाल के दो। रोड थी स्लैंटिंग और खड़ी थी बाइक, और खड़े खड़े बाइक गिर गई और ये मिरर टूट गया, जो कि आप देख पा रहे हो। पूरा नया, नई बाइक है ये, एक्चुअली पूरी नई बाइक है, सिर्फ नुकसान मिरर पे ही आया है, दैट्स अ गुड थिंग, नहीं तो फिर बहुत कुछ चेंज वेंज करना पड़ता, कॉस्ट भी लग जाता। अभी मुझे ये मिरर ढूंढना पड़ेगा, एक रिप्लेस कर दूंगा, किसी का नुकसान हो वो नहीं चाहिए, तो आई विल रिप्लेस दिस मिरर। द रेस्ट इज़ ओके, बाइक तो बहुत ही स्मूथ है। मैंने अभी पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल भराया, बाइक तो बहुत ही स्मूथ है। चलिए अभी शुरू करते हैं अपनी जर्नी, और मैं जाते जाते आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि मैंने प्लान की थी वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। सो अब तक बाइक चली है 12,094 किलोमीटर, दैट इज़ 12,094.4, और मैंने जब बाइक चलानी शुरू की देर डैट वॉज समर अराउंड 12,090 किलोमीटर। सो मैंने ट्रिप को ज़ीरो कर दिया, एज यू कैन सी ट्रिप ए ज़ीरो, ट्रिप बी ज़ीरो, एंड अभी ये पूरा जो ट्रिप है ख़त्म होने के टाइम पे मैं चेक करूँगा कि टोटल मैंने कितने किलोमीटर्स कवर किए। सो दिस इज मनाली फॉर यू। एक्चुअल ट्रिप मेरी कल से शुरू होगी, तो मैं आपको जो बता रहा था कि मेरा आज प्लान था रोहतांग पास जाने का, तो रोहतांग पास में बाइक्स आर नॉट अलाउड, अनफॉर्चुनेटली रोहतांग में बाइक्स नहीं जा सकते। कुछ कार्स के परमिट है, फॉर पेट्रोल व्हीकल 800 एंड फॉर डीजल व्हीकल 400, फॉर एनवायरमेंटल सेविंग पर्पजेस। पता नहीं खारदूंगा जा रहे हैं लोग उमलेंगला जा रहे हैं, न जाने कौन कौन से पासेस जा रहे हैं, बट रोहतांग नहीं जा सकते। उसके लिए खाली रेंटेड कार जो यहाँ का लोकल होता है, या फिर आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन ले ली है, करवा ली है अपनी गाड़ी की, तो ही आप जा सकते हो। बाइक्स आर नॉट अलाउड, सो दैट्स अ सैड पार्ट। तो आज का दिन मेरा आई हैड डेडिकेटेड इट टू रोहतांग पास, क्योंकि रोहतांग पास मेरा, मैंने अभी तक रोहतांग पास कभी विजिट नहीं किया है, सो दैट वॉज अ थिंग, बट नाउ द प्लान हैज़ टू बी चेंज। तो मैं सोच रहा हूँ आज चले जाने का हरिमरिपी टेम्पल, दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू विजिट। एंड अभी वक्त हो रहा है 12:14, 12:30 बज रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर आज क्या करूँगा मैं।
सो ये आ गया अटल जी का चौक एंड यहाँ पे स्पेयर्स का दुकान मिलना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये मॉल रोड के अंदर दिखा रहा है। सेकेंड एग्जिट इज नॉट पॉसिबल, लेट्स सी, आई विल गो टू टूवर्ड्स हडिम्बा। बाइकें यहाँ पे इतनी सारी हैं लेकिन स्पेयर्स के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा अजीब है। मंदिर दर्शन से शुरू करते हैं अपना ट्रिप। यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे कोई भी स्पेयर पार्ट्स का दुकान। मैं ये बाइक थोड़ी चलाने के बाद देन आई विल टॉक अबाउट इट कि ये कितने डिफरेंट है हिमालयन से। अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बाइक। सर्किट हाउस हडिम्बा देवी टेम्पल इज ऑन लेफ्ट। यहाँ पे मैंने बाइक पार्क करके आगे मैं पहुँच गया हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल। एंड क्या जगह है यार, ये गजब सुंदर है ये जगह। जस्ट लुक एट दिस, सुपर है ये जगह। ओके जी, मैं निकल गया हडिम्बा देवी टेम्पल से। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं सोचा था थोड़ी शांति मिलेगी वहाँ पे बैठूँगा थोड़ी देर, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाया। और कंटिन्यूसली ये जो सेल्स करने वाले हैं वो भी पूछ रहे थे ये लोग वो लोग। तो एनीवेज ये देखिए मैंने मैप लगा दिया है टूवर्ड्स स्पेयर पार्ट शॉप। ये करना पड़ेगा बिकॉज ये जो मिरर है ये काफ़ी दिक्कत दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। यस, मैंने मैप तो लगा दिया, अभी चलते हैं यहाँ पे। मॉल रोड में मैं घुस नहीं सकता बिकॉज वहाँ पे बाइक्स वगैरह कार कुछ अलाउड नहीं है। इसके आगे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ सोलंग जाने का। लेट्स सी, अगर मैं सोलंग जाऊँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा। रोहतांग यार, अच्छा सेम रोड पे ही है तो इट्स ग्रेट। ठीक है, रोहतांग यार, मुझे रोहतांग जाना था, मुझे जाना था रोहतांग, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊंगा बिकॉज वहाँ पे बाइक्स को बंद करके रखा है। बस यही नज़ारे देखने इतने दूर आ गए हम। पानी में मत रुकाना यार, मनाली में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। अरे यार, पानी उड़ा के जा रहे लोग। हिमालयन से इसके डायनामिक्स काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हिमालयन काफ़ी ऊंची है इससे। एंड उसके 21 इंच टायर के वजह से उसको कंट्रोल करना बेटर है ऑन कर्वी रोड्स, बट इसका इतना इजी नहीं है द थिंग बिकॉज कि सामने 19 इंच का टायर है एंड मैं चलाता हूँ एक्सपल्स जिसमें भी 21 इंच का टायर है। सो दैट वे हिमालयन इज़ बेटर। फाइनली आउट ऑफ ट्रैफिक, कुछ रोड वर्क का काम चालू है। वहाँ पे लैंडस्लाइड जैसा थोड़ा सा हुआ था जिससे आधी रोड टूट गई है। सो आई एम हेडिंग एक्चुअली टूवर्ड्स अटल टनल। ये सेम रास्ता लेह लद्दाख के लिए भी जाता है एंड ये सेम रास्ता जांस्कर या फिर अपने स्पीति वैली के यहाँ से भी जाता है। आई नीड टू क्रॉस दिस बस।
पिकअप वगैरह बढ़िया है इस बाइक की एज कम्पेयर टू हिमालयन जो मैंने लास्ट ईयर रेंट पे चलाई थी, नॉट लास्ट ईयर, इन 2019 मैंने रेंट पे हिमालयन चलाई थी, दैट वॉज BS4, दिस इज BS6 एंड काफ़ी रिफाइनमेंट आ चुका है इंजन में, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है इंजन। मैंने फर्स्ट हिमालयन चलाई थी इन द ईयर 2017 एंड या फिर 2018 स्टार्ट, आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल मंथ। तब वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जर्की थी, बहुत झटके मारती थी, रिफाइनमेंट बहुत कम था, बट अभी ये ऐसा नहीं रहा है, नाउ इट इज़ रियली गुड। घर के अंदर से रोड निकाला ऐसा लग रहा है। सो बारिश ना हो बस, दैट इज व्हाट आई होप, कि बारिश अगर हुई तो बैंड बच जाएगी। क्लाउडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, आई एम नॉट श्योर वेदर इज गोइंग टू रेन अगेन, जैसे कि कल मैं जब मनाली पहुंचा इट वॉज रेनिंग, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सितंबर का महीना है, दिस इज सितंबर 2022 एंड अभी बारिश यहाँ पे ऐसे पहाड़ों में इतनी होती नहीं है। एक दो बार कुंजम पास में स्नोफॉल हो चुका है, बट स्टिल कुंजम पास का जो रास्ता है इट इज़ स्टिल ऑन। सो जैसा कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, द थिंग आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो इज आई लीव अर्ली फ्रॉम मनाली एंड मनाली से जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल के आई हेड टूवर्ड्स काजा। बीच में अगर पॉसिबल हुआ तो चंद्रताल लेक मैं कल ही कंप्लीट कर लूँगा। आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे हो इट्स हेवीली क्लाउडेड एंड डार्क क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स है, तो बस बारिश ना हो यार। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बारिश का और मेरा क्या दुश्मनी है मालूम नहीं, जब भी ट्रिप प्लान करता हूँ भले वो शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप, ये बारिश आके कुछ ना कुछ ये कर ही देता है। मनाली है ये साइड लेफ्ट में जो जहाँ पे आसमान एकदम साफ है एंड रोहतांग पास, ले, जिस्पा, जांस्कार है ये साइड, जो कि कल मैं ये रोड लेके पूरा जाने वाला हूँ टिल स्पीति वैली। सो यहाँ पे अभी मैंने दो जन को पूछा, आई वॉज गोइंग दिस साइड एंड वो बोले कि आगे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो अगर आप जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये जो बैग है ये काफ़ी हद तक भीग चुका, कैमरा का सामान है पूरा इसमें, सो आई एम कवरिंग इट अप। बारिश अभी के लिए थोड़ी देर रुकी है बट द व्यू इज़ सुपर्ब, सो मैं इधर रुक गया। अगर मौसम थोड़ा क्लीन हो, एक बार वेदर फोरकास्ट भी मैं चेक कर लूँगा कि अगर मौसम क्लीन हुआ देन आई कैन अगेन गो अहेड। सोलांग में इट्स टोटली जैम, दो जन सोलांग से आ रहे थे, मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला सैटरडे है, सो सैटरडे के हिसाब से सोलांग इज़ टोटली जैम, वहाँ पे जाके एक घंटे के आसपास का जैम चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है, सो आई एम स्किपिंग सोलांग। सोलांग में पहले भी जा चुका हूँ, नथिंग मच टू सी ओवर देयर, वही रोपवे वगैरह वो सब कुछ है वहाँ पे। नहीं, बारिश फिर से बढ़ने लगी है यहाँ पे एंड यहाँ पे पूरे काले बादल एंड घने बादल है यहाँ पे, पूरा काला रोहतांग पास इज समवेयर अराउंड देयर। सो एनीवेज आई हैव टू गो टुमारो, आई डोंट वांट टू गेट वेट एंड आई डोंट वांट टू फॉल सिक, बिकॉज प्लान जो है ट्रिप की शुरुआत तो जस्ट अभी हो रही है, द ट्रिप इज जस्ट बिगिनिंग। आज का डे वैसे ही मैंने रोहतांग के लिए बफर रखा था, नो वरीज सम टाइम लेटर। सो आई एम हेडिंग बैक, जाके ये मिरर चेक चेंज करता हूँ। टुडे इज़ नॉट अ वेरी फ्रूटफुल डे बिकॉज शुरुआत ही बाइक के गिरने से हुई। हरिमा देवी टेम्पल जाके अच्छा लगा, थोड़ी अगर बारिश रुकी आई विल प्लान टू गो टू नगर, बट जिस तरीके से ये वेदर चेंज हो रहा है मुझे लग नहीं रहा है ये ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे। मैंने जस्ट अभी वो बारिश का फेज़ जो जहाँ पर बारिश हो रही थी ज़ोरदार वो क्रॉस किया एंड कहाँ से आ रहा है बारिश का फेज़ और बारिश जहाँ पे हो रही थी वो जगह क्रॉस की एंड यहाँ पे बारिश इतनी नहीं हुई है बट बूंदाबांदी चालू हुई है जस्ट। मेरे हेलमेट का वाइजर पूरा बूंदों से भरा हुआ है। ये साइड धूप है बट जहाँ से क्लाउड्स आ रहे हैं पूरे काले बादल, ये राइट साइड एंड बैक ये पूरे घने बादल है। मौसम दो तीन दिन का प्रेडिक्शन है कि मौसम खराब ही चलने वाला है, सो कांट हेल्प इट। तो अब मैं जा रहा हूँ स्पेयर पार्ट्स के शॉप में क्योंकि ये मिरर यूज़लेस हो चुका है मेरे लिए, इसको चेंज करने एंड जब रिटर्न करूँगा बाइक तो नए मिरर के साथ ही करूँगा बिकॉज इट अनफॉर्चुनेटली फेल। बाइक पे मैं बैठा भी नहीं था, बाइक स्टार्ट तक नहीं की थी, जस्ट दुकान के बाहर बाइक खड़ी रखी थी एंड एक कार वाला गया और उसका एंड सेक्शन जो है वो इस बाइक से टकरा गया और बाइक ऐसे स्लैंटिंग में थी, इसके लिए तुरंत बाइक गिर गई। Thank you.
अच्छा ये पकड़ गया। एक सेकंड, एक मिनट, ये ऐसा, हाँ 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 अच्छा। तो आज के जो भी फुटेजेस हैं वो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में कॉपी हो रहे हैं, और आज का दिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। फर्स्ट थिंग था कि बाइक लेने के टाइम मुझे पता चला कि आज जो मैंने प्लान बनाया था रोहतांग पास का, वो नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे बाइक्स जाने अलाउड ही नहीं है। और ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से मुझे पता चला। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी मैंने पूछा और उन्होंने बता दिया। ये मुझे जहाँ से मैंने बाइक रेंट की, बाइकर पॉइंट मनाली, तो प्यार सिंह जी जो है, तो अगर आप सत्या सागर और MSK के व्लॉग्स देखते हैं तो आपको मालूम है प्यार सिंह जी कौन है, और अगर नहीं देखते तो उनके व्लॉग्स देखना शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाइक्स 2-2.5 साल के ऊपर हो गया, कुछ रीजंस की वजह से बाइक्स वहां पे जाना मतलब बंद कर दिया है, क्योंकि अटल टनल जब से बन गया है, नॉट डू दाई सेल्फ बट अटल टनल बनने के बाद। दूसरी चीज, मैं फिर निकला था टुवर्ड्स सोलंग वैली, बट बीच में रास्ते में शुरू हो गई बारिश, और ये बारिश शुरू होने की वजह से मुझे आज पर्टिकुलरली आज का जो दिन है वहां पे भीगना नहीं था, क्योंकि फर्स्ट थिंग मैं ये जो एक पूरा वेदर चेंज हुआ है मैं उसके साथ थोड़ा कोपअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि AMS कल से होने के चांसेस होंगे, जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। अगर कल मुझे AMS हो गया तो मुझे रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज कल मुझे किसी भी हालत में काजा पहुंचना है, क्योंकि काजा में मैंने मेरा होटल बुक कर दिया है, और दूसरा भी है उसके ऊपर मेरे अगले प्लान्स भी डिपेंड करेंगे। सो दैट वे वन थिंग इज देयर। अभी जो वेदर है मनाली सिटी में, मैं मनाली सिटी में हूँ, यहाँ पे अभी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, हालांकि देखने के लिए नज़ारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बट टुडे इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बाइक लेते ही बाइक स्टैंड खड़ी थी, मैं बाइक पे एक भी बार बैठा भी नहीं, पहली बार बैठने वाला था उसके पहले बाइक गिर गई, और गिर के मुझे पैरों पे थोड़ी सी चोट लगी, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा कैरियर है वो बाइक, मैं आपको बता दूंगा क्योंकि कल से मैं बाइक पे ही पूरा डिपेंडेंट रहूंगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा कैरियर लगाते हैं यहाँ पे, तो वो कैरियर मुझे पैर पे लगा और काफी ज्यादा दुख रहा है मेरा पैर। सो सिचुएशंस ऐसे होते हैं, द रीजन बिहाइंड आई एम सेइंग ऑल दिस, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि आप जब घूमने हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपने सोचा भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपने जो सोचा है उसके एकदम ही उल्टी चली जाए, जैसे मौसम का खराब होना। यहाँ पे बारिश अभी नहीं होती इस टाइम सेप्टेम्बर में, बट यहाँ पे हो रही है बारिश, और लगातार तो नहीं बट दिन के कुछ 3-4 घंटे बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद से बारिश शुरू हो रही है। अब जहां पे मैं सोलंग वैली में जा रहा था, मैं बाइक पे था, वहां पे बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि वहां से कुछ लोग आ रहे थे उनको मैंने पूछा और मैं रिटर्न आ गया। सो अनफॉर्चुनेट था। अब मेरा जो मूड है वो थोड़ा बहुत ऑफ, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो इसके लिए मैं जाने वाला था नगर साइड, अब मैं नहीं जाने का प्लान किया है मैंने, उससे बेटर है ये जो कॉफी वगैरह करना है लैपटॉप में, ये सारी चीजें मैं कर लेता हूँ, एंड ये करके देन आई विल टेक अ रेस्ट फॉर द डे। शायद मैं शाम को मनाली मॉल रोड साइड जाऊंगा, अगर गया तो डेफिनेटली ब्लॉग बनेगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जब मैं लौटूंगा मेरा पूरा ट्रिप खत्म करके तब। सो आई एम सॉरी इफ यू हैव नॉट एंजॉयड, कुछ नहीं कर सकते, एंड इफ यू हैव एंजॉयड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।